अलैकुम, चा तूती। कुछ दिन पहले मोमना ने मुझे लिखा कि उनके सितंबर में एग्जाम्स हैं तो उनको मैथ में कुछ हेल्प चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर वो जुबान की प्रॉब्लम की वजह से मैथ नहीं समझ पाई एंड नाउ इफ आई कैन हेल्प हर इन सम वे, तो मैंने सोचा कि ज़रूर उसकी हेल्प की जाए एंड उसके लिए एक वीडियो बनाई जाए। सो नाउ आई एम हेयर। एक्चुअली उसने मुझे कुछ सवाल और कुछ टॉपिक सेंड किए थे जो कि उसको समझना थे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आई नो कि आप में से काफ़ी लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं भी होगी, लेकिन आई एम श्योर कि आपको मैथ सीखने के अलावा ज़बान सीखने में भी बहुत मदद मिलेगी। सो आइए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है सर्कमफेरेंसा एचेर क्यों। इसकी मशकें देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। बज़ाहर तो ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क होता है। अगर आप लोग एक दायरा ड्रा करें, दायरे की जो बॉर्डर लाइन होगी उसे कहते हैं सर्कमफेरेंसा एंड चेयर क्यों कहते हैं जो दायरे का अंदर वाला एरिया होगा। एंड प्लस जो सर्कमफेरेंसा की बॉर्डर लाइन थी वो भी इसके अंदर ऐड होती है। तो इन सोमा डेफिनेशन इन दोनों की ये होगी कि सर्कमफेरेंसा बॉर्डर लाइन होती है एंड चेयर क्यों उसके अंदर वाला एरिया प्लस बॉर्डर लाइन। ठीक है, इस टॉपिक पर जब हम मशकें करेंगे तो हमें मुख्तलिफ टर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए उनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप एक दायरा ड्रा करें लाइक दिस एंड देन इसके दरमियान में एक सेंट्रल पॉइंट जिसका नाम रखेंगे ओ। अब अगर इस दायरे से यानी कि इस नुक्ते से अगर आप लोग एक लाइन खींचें इसके बॉर्डर लाइन तक, तो उस लाइन को कहते हैं राज्यो, जिसका उर्दू में मतलब होता है रदास। ठीक है, राज्यो क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट से लेकर दायरे के एक नुक्ते तक जो फासला होता है उसे कहते हैं राज्यो। ओके, इसके अलावा जो और टर्म इस्तेमाल हो सकती है वो है कोर्दा। कोर्दा क्या होता है वो देखते हैं। अगर आप लोग इस दायरे पर दो पॉइंट लें कहीं पर भी लाइक दिस, ये इसे कह लेते हैं आ, और इस पॉइंट को क्या लेते हैं बी। ठीक है, अब अगर इस दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएं आ बी, तो इस ये जो लाइन अब बनी है इसे कहते हैं कोर्दा। ठीक है, अगर यही लाइन इस दायरे के दरमियान में से गुजरे यानी कि ये जो ओ था इसके ऊपर से गुजरे लाइक दिस, तो इसे कहेंगे दियामेत्रो। अगर तो ये कोर्दा ही है लेकिन चूंकि ये दरमियान में से गुजर रहा है तो इसको कहेंगे दियामेत्रो। ठीक है, अब हम अपनी मश्क की तरफ चलते हैं। अगर कोई नए अल्फाज हुए तो उसी दौरान हम लोग सीख लेंगे। अपना पहला सवाल देखते हैं। ला सोमा त्रा लम्पियसा दुन आंगोलो अला सर्कमफेरेंसा ए लम्पियसा दल आंगोलो अल चेंत्रो कोरिस्पोंडेंटे ए 69। ¿Cuál es la pieza del ángulo al centro? अब इस सवाल में कुछ अहम लफज इस्तेमाल हुए हैं लाइक सोमा। सोमा का मतलब होता है मजमुआ। ठीक है, अम्पियसा, अम्पियसा का मतलब है कितना खुला है। ठीक है, अम्पियसा दुन आंगलो के जाविया कितना है। उसके बाद है आंगलो अला सर्कमफेरेंसा। आइए देखते हैं कि आंगोलो अला सर्कमफेरेंसा एंड आंगोलो अल चेंत्रो कोरिस्पोंडेंटे क्या होते हैं। हम सबसे पहले एक दायरा बना लेते हैं एंड उसके दरमियान में एक नुक्ता लगाते हैं पॉइंट जिसे कहेंगे चेंत्रो और इसका नाम रखते हैं जी। आई थिंक ये सेंटर में नहीं है। ओके ओके, इसका नाम रख लेते हैं जी। आंगोलो अल चेंत्रो, जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक आंगोलो होगा यानी कि जाविया होगा जो कि सेंटर पर होगा। ठीक है, सेंटर पर जो जाविया बनेगा उसे कहेंगे आंगोलो अल चेंत्रो। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो जाविया बन रहा है इसे कहेंगे आंगोलो अल चेंत्रो। और आंगोलो अल सर्कमफेरेंसा क्या होगा कि जो जाविया सर्कमफेरेंसा पर बनेगा। हम सर्कमफेरेंसा पर एक पॉइंट ले लेते हैं और इससे दो लाइंस खींच लेते हैं लाइक दिस, ये दो कोर्दे हैं। अब यहाँ पर जो जाविया बनेगा इसे कहेंगे आंगोलो अला सर्कमफेरेंसा। ठीक है, सो आंगोलो अल चेंत्रो सेंटर पर जाविया और आंगोलो अला सर्कमफेरेंसा
circumferenza per zavia. Ab sawal mein jo ek lafaz istemal hua hai woh hai correspondenti. It's important to learn. Okay, woh dekhte hain ki correspondenti ka kya matlab hai. Ab yahan par ye jo area hai, ye jo line hai, ise kehte hain arco. Theek hai? Agar to dono zaviye yani ke angolo al centro and angolo alla circunferenza dono ek hi arco par hai to woh kehlayenge angoli correspondenti. Theek hai? मसलन जो पहले जाविया बना था इधर इसकी आर्को ये वाली थी. अब लोग देख सकते हैं कि दोनों की आर्को मुख्तलिफ है इसलिए यह दोनों जाविये कोरिस्पोंडेंटी नहीं हैं. कोरिस्पोंडेंटी इस तरह से होंगे कि अगर हम सर्कमफेरेंसा पर एक पॉइंट ले और वहां से दो कोर्ड इस तरह से खींचे कि उनका जो एंड पॉइंट है वो यहां पर आके मिले जहां पर एंगुलर सेंट्रो के राज्यों का पॉइंट है. ठीक है? Angular circumference ये वाला होगा. ठीक है? आप देख सकते हैं कि दोनों जाविये की जो आर्को है वो एक ही है ये वाली. अगर दोनों जावियों की आर्को एक ही है तो वो कहलाएंगे एंगुली कोरिस्पोंडेंटी. ओके? अब एक और तस्वीर बना के इसको मजीद समझ लेते हैं. ये इसका दरमियान वाला पॉइंट इसका नाम रख लेते हैं जी. और यहां से दो जाविये बनाते हैं एंगुलो अल सेंट्रो. अब इस तरह डायरेक्शन कर लेते हैं इसकी ये वाला हो गया. एंड एंगुलो अल सेंट्रो होगा मिसाल के तौर पर हम यहां पर पॉइंट बना लेते हैं और ये फर्स्ट कर लेते हैं ये सीधी लाइन लगी है और यहां पर एंगुलो अला सर्कमफेरेंसा और ये वाला एंगुलो अल सेंट्रो. सो ये समझ लेने के बाद कि एंगुलो अला सर्कमफेरेंसा एंड एंगुलो अल सेंट्रो क्या होते हैं और एंगुली कोरिस्पोंडेंटी क्या है अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं. सवाल आपको याद है कि सवाल में क्या पूछा गया था? सवाल में ये कहा गया था कि एक दायरा है हम ड्रा करते हैं साथ-साथ कि एक दायरा है कुछ इस तरह से और इसके ऊपर दो जाविये हैं एक का नाम है एंगुलो अल सेंट्रो और दूसरे का नाम है एंगुलो अला सर्कमफेरेंसा. यह रहा हमारा एंगुलो अल सेंट्रो और एक है एंगुलो अला सर्कमफेरेंसा और ये दोनों जाविये कोरिस्पोंडेंटी है यानी कि दोनों एक ही आर्को पर हैं. एंगुलो अला सर्कमफेरेंसा का हम नाम रखते हैं अल्फा और जो एंगुलो अल सेंट्रो है इसका नाम रख लेते हैं बीटा. ओके? और सवाल में ये कहा गया था कि अल्फा और बीटा इन दोनों का जो सोमा है यानी कि मजमुआ है वो है सिसांता नोवे. आपको मालूम करना है कि एंगुलो अल सेंट्रो कितना है. इस सवाल को हल करने के लिए हम एक थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे और वो थ्योरी ये कहती है कि एंगुलो अला सर्कमफेरेंसा एंगुलो अल सेंट्रो से आधा होता है. ठीक है? अगर हम लोग इसको लिखकर बयान करें तो इस तरह होगा कि अल्फा उग्वाले बीटा फ्रातो दुवे. या हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर एंगुलो अला सर्कमफेरेंसा एंगुलो अल सेंट्रो से आधा है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगुलो अल सेंट्रो एंगुलो अला सर्कमफेरेंसा से दो गुना है. ठीक है? यानी कि एंगुलो अल सेंट्रो ए दुवे वोल्टे अल्फा. ओके? सो इसी थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपने सवाल को हल करेंगे. पहले हम लोग लिख लेते हैं कि सवाल में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है. सवाल में है कि अल्फा यानी कि एंगुलो अला सर्कमफेरेंसा प्यू एंगुलो अल सेंट्रो दोनों का जो सोमा है वो ग्वाले है सिसांता नोवे. और हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है हमें जो इंफॉर्मेशन पता है कि अल्फा ग्वाले बीटा फ्रातो दुवे
इसको भी लिख लेते हैं, अल्फा उगवाले बीटा फ्रातो दुवे, और हमें मालूम क्या करना है, बीटा। अपने सवाल का आगाज हम लोग अपनी दी हुई इंफॉर्मेशन से शुरू करेंगे। अब जैसे अलजबरा में हम लोग एक्स और वाई को मालूम करते हैं, दो इक्वेशन दी जाती हैं और उनमें एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी होती है, जैसे हम वो सवाल हल करते हैं यहाँ पर भी सवाल को वैसे हल करेंगे। अल्फा की कीमत हमें मालूम है कि बीटा फ्रातो दुवे, इसकी कीमत हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करेंगे एंड देन वहाँ से बीटा मालूम करेंगे, और फिर बीटा की कीमत इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करेंगे और अल्फा की कीमत मालूम हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि अल्फा की जगह यहाँ पर ये वाली कीमत लिखेंगे, ठीक है, बीटा फ्रातो दुवे प्यू बीटा उगवाले सिसांता नोवे एंड अल्फा उगवाले बीटा फ्रातो दुवे। इनको हमने हमेशा इकट्ठे ही लिखना है। और दूसरे स्टेप में हम लोग इस तरह करेंगे, पहली इक्वेशन को हल करते हुए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा बीटा प्यू दुवे बोलते बीटा उगवाले चेंतो त्रेंतो, तो यानी कि 97 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आता है चेंतो त्रेंतो, तो यानी कि इस सवाल को मैंने इस तरह हल किया है कि इसके नीचे 2 था तो मैंने इसको ख़त्म करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया एंड इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड इसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया, यूनिक इक्वेशन को बराबर रखने के लिए। और यहाँ पर ये 2 तो 2 से जाता रहा और ये 2 बीटा यहाँ पर मैंने लिख लिया है, और इस तरह यहाँ पर दुवे पेर से सांता नोवे फा चेंतो त्रेंतो तो, ओके। अब अल्फा को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, अल्फा उगवाले बीटा फ्रातो दुवे। अब फिर इसी इक्वेशन को हल करेंगे, बीटा प्यू दुवे बोलते बीटा फात्रेम बीटा उगवाले चेंतो त्रेंतो तो, एंड दूसरी मसावात ये है अल्फा उगवाले बीटा फ्रातो दुवे। अभी इसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं इसके ऊपर से, ठीक है, बीता उगवाले चेंतो त्रेंतो तो फ्रातो त्रे एंड अल्फा उगवाले बीता फ्रातो दुवे, ठीक है। अगले स्टेप में हमें बीता की कीमत मालूम हो जाएगी, चेंतो त्रेंतो तो फ्रातो त्रे फाकोरांता सेई एंड अल्फा उगवाले बीता फ्रातो दुवे, बीटा उगवाले क्वारंता सेई, और अल्फा कितनी हो जाएगी, क्वारंता सेई डिवीजर दुवे फा त्रेंतो 23, ठीक है। तो इस तरह से हमने आंगोलो अलचेंत्रो की कीमत मालूम कर ली, यानी कि क्वारंता सेई है और दूसरी जो कीमत है आंगोलो अलचिरकमफेरेंसा की वो है 23, ओके। तो आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, आसान था। इसमें हमने सिंपल थ्योरी का इस्तेमाल किया है जो कहती है कि आंगोलो चिरकमफेरेंसा आंगोलो अलचेंत्रो से आधा होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट लिख ले और आपको इसको याद रखना होगा। अब हम लोग अपना दूसरा सवाल देखते हैं, इन रिफेरिमेंटो अला फिगुरा आ डिटरमिना ले एम्पियस दल आंगोली दल त्रियांगोलो दिवेर्तिची आ ए दी। ये तस्वीर यहाँ पर दी गई है, इस तस्वीर को पहले देख लेते हैं। किस तस्वीर में एक दायरा है और इसके दरमियान में एक पॉइंट है जिसे कहा गया है ओ, एंड देन चिरकमफेरेंसा पर 4 पॉइंट्स लिए गए हैं आ बी ची डी, और इनको आपस में मिलाया गया है, आ को बी से, बी को आगे सी को आगे डी से और डी को फिर आ से, एंड यहाँ पर कुछ जाविये भी दिए गए हैं। बी ओ डी का जो जाविया है वो 90 डिग्री का है और सी ओ आ का जो जाविया है वो 100 डिग्री का है, और हमें जो मालूम करना है वो है आ ए डी का, ठीक है, आ ए डी का जाविये मालूम करने हैं। हम पहले इस तस्वीर को बना लेते हैं फिर अपने सवाल का आगाज़ करते हैं।
ओके, तो तस्वीर मैंने बना ली है। हमें जो ज़ावियम मालूम करने हैं वो इस मुसलस के हैं, आ ए दी के। पहले हम लोग लिखते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, ठीक है। हमें बताया गया है कि जो एंगल है डी ओ बी, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, डी डी ओ बी बराबर है 90 डिग्री के, और जो एंगल है आ ओ जी, ये जाविया है 100 डिग्री का, ठीक है। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, आ ओ जी बराबर है 100 डिग्री के। हमें जो मालूम करना है वो आ ए डी के जाविये, यानी कि हमें मालूम करना है कि आ पर कितना जाविया है, ए पर कितना जाविया है, और पॉइंट डी पर कितना जाविया है, ठीक है। हमें ये तीनों जाविये मालूम करने हैं। अब इस सवाल को हम लोग हल कैसे करेंगे? हम लोग इस सवाल को शुरू करेंगे उस पॉइंट से जहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप लोग देखें तो जहाँ पर जाविया है डी ओ बी, यानी कि ये वाला जाविया, इस जाविये को क्या कहते हैं? एंगलो अलचेंत्रो, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर पर जाविया बना हुआ है। और जो दूसरा जाविया हमें दिया गया है ये वाला, ये भी है एंगलो अलचेंत्रो। हमें एंगलो अलचेंत्रो के नाम की कोई थ्योरी याद है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम इस सवाल को हल कर सकें? अभी जो थ्योरी हमने पिछले सवाल में देखी है उसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एंगलो अलचेंत्रो एंगलो अलचिरकमफेरेंसा से डबल होता है, और ये थ्योरी तब अप्लाई होती है जब एंगलो अलचेंत्रो एंड एंगलो अलचिरकमफेरेंसा दोनों जाविये कोरिस्पोंडेंटी हूँ, यानी कि एक ही आर्कों पर मौजूद हूँ। ये जो जाविये दिए गए हैं ये एंगलो अलचेंत्रो हैं, इनके जो एंड पॉइंट है, मिसाल के तौर पर जो पहला जाविया है उसका एंड पॉइंट था ये डी और बी। हमने देखना है कि इन्हीं पॉइंट्स पर कुछ जाविया है जो कि एंगलो अलचिरकमफेरेंसा हो, और जो दूसरा जाविया है वो है उसके जो एंड पॉइंट है वो आ और जी है, यानी कि इस तरह अगर हम लोग देखें तो इसके एंड पॉइंट जो पॉइंट सर्कमफेरेंसा को टच करते हैं वो है आ और जी। हमें जो सवाल में ढूंढना है वो ये कि कोई जाविया हमें ऐसा मिले जिसके भी एंड पॉइंट यही चार पॉइंट्स हों, आ बी जी और डी। हम लोग इस तस्वीर में नोट कर सकते हैं कि जो एंगलो अलचिरकमफेरेंसा है, यानी कि जो जाविया सर्कमफेरेंसा पर है, उनके जो पॉइंट्स हैं वो हैं आ जी पी, ठीक है, ये जाविया है। और कोई और जाविया है जो एंगलो अलचिरकमफेरेंसा हो, तो हम लोग सर्कमफेरेंसा पर देखते हैं तो हमें एक और जाविया नज़र आ रहा है, ये राइट, ये जो जाविया है आ पर, ये भी एंगलो अलचिरकमफेरेंसा है, और इसके जो एंड पॉइंट है वो ये हैं, ठीक है। सो इसी तरह जो जाविया बी पर है वो भी एंगलो अलचिरकमफेरेंसा हो सकता है, वो इस तरह से, यू नो, ये जो बी पर जाविया है ये भी एंगलो अलचिरकमफेरेंसा है, इसके जो एंड पॉइंट है वो ये हैं, जो कि आई थिंक मिलते हैं इससे एंगलो अलचेंत्रो से, राइट। और जो डी पर जाविया है वो भी एंगलो अलचिरकमफेरेंसा है, लाइक दिस, ठीक है। और इसके भी जो एंड वाले पॉइंट है वो भी इस जाविये के साथ मिलते हैं, ठीक है, ये जो एंगलो अलचेंत्रो है, इसको हम लोग थोड़ा क्लीन करते हैं अब, और हम वो देखते हैं जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो जाविये हमें मालूम करने हैं उनमें से दो जो जाविये हैं वो एंगलो अलचिरकमफेरेंसा पर हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया आ वाला, ठीक है, ये जो जाविया है, और जो दूसरा जाविया है वो डी वाला है, ये वाला। और आई थिंक हमने ढूंढ लिया है
ए से शुरू करते हैं, ए जाविये के जो पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स हैं वो टच करते हैं बी और डी पर, ठीक है। क्या कोई जाविया ऐसा है एंगलो अलचेंत्रो जिसके एंड पॉइंट भी बी और डी हों? तो हम लोग जाविया जो सेंटर पर जाविये हैं उनको देख लेते हैं। दो जाविये थे सेंटर पर जो हमें दिए गए थे 90 और 100 का। अगर आप लोग ये वाला जाविया देखें तो इस जाविये के जो एंड पॉइंट हैं वो भी बी और डी हैं, ठीक है ये वाला। अगर आप लोग नोट करें तो ये दोनों जाविये एक ही आर्को पर हैं, ठीक है ये वाली आर्को। सो जो थ्योरी हमने थोड़ी देर पहले देखी वो यहाँ पर अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि हमें एंगलो अलचेंत्रो दिया गया है तो हम एंगलो अलचिरकमफेरेंस सब लूम कर सकते हैं उसको दो पर डिवाइड करते हुए, क्योंकि एंगलो अलचिरकमफेरेंस एंगलो अलचेंत्रो से आधा होता है। ओके, अगर ये जाविया 90 डिग्री का है तो जो एंगलो अलचिरकमफेरेंस कोरिस्पोंडेंट होगा वो 90/2 होगा, दैट इज इक्वल टू 45। सो हम इसको लिखते हैं कि जो एंगलो आ है वो इक्वल हुआ 90 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45। समझ में आया कैसे आया है 45? क्योंकि ये एंगलो अलचिरकमफेरेंसा है जो कि एंगलो अलचेंत्रो कोरिस्पोंडेंट के आधा होगा, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा एंगलो अलचिरकमफेरेंसा जो कि पॉइंट डी पर है उसको भी मालूम कर लेते हैं कलर चेंज करते हुए ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। और मज़ीद दूसरा जो जाविया है ये वाला, इसका कोरिस्पोंडेंट एंगलो अलचेंत्रो कहाँ पर है? ये वाला, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो ये दोनों एक ही आर्को के नीचे हैं। ओके, सो इसी तरह से जो एंगलो यहां पर है ये इसका आधा होगा। ओके, तो 100/2 बराबर 50 के। सो इस तरह हमने मालूम किया कि जो जाविया डी पर है वो 50 के बराबर है। अब जो जाविया हमें मालूम करना है वो सिर्फ रह गया है पॉइंट ए पर, ठीक है ये जो ई पॉइंट है ये वाला मालूम करना है। मैं इसको क्लीन करके दोबारा लिखती हूँ। एक और थ्योरी सीखने जा रहे हैं जिसके मुताबिक एक मसलस यानी कि ये जो त्रियांगलो है जिसके तीन जाविये हैं त्रियांगलो, इसे मसलस कहते हैं उर्दू में। एक त्रियांगलो में जो तीन जाविये होते हैं उनका मजमुआ 180 होता है, ठीक है। थ्योरी क्या है कि एक मसलस में तीन जावियों की मकदारों का मजमुआ 180 होता है, ठीक है ये थ्योरी है। इसको आप अप्लाई करते हैं तीन जाविये कौन से हैं? आ प्यू सोमा, मतलब कि इन तीनों को जमा करना है तो इन तीनों जावियों का जो सोमा है वो 180 है, ठीक है। तो आ प्लस डी प्लस ए, ये तीन जाविये हैं ना इस मुसलस में, तो इन तीनों का मजमुआ जो है वो 180 है। अब जो जाविये हमें मालूम है वो आ है और डी है, बस हमारा ई मालूम करने वाला रह चुका है। तो इसको हम इस तरह से मालूम कर लेंगे,
जो जाविया हमें मालूम है उनकी कीमतें लिखेंगे। आ कितना है 45, प्लस डी कितना है 50, ई का हमें नहीं पता, इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं अभी, और ये बराबर है 180 के। फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टी इज इक्वल टू 95 प्लस 180 प्लस ई इज इक्वल टू 180। अब ई कैसे मालूम करें, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल टू 180। अब 95 यहाँ पर प्लस हो रहा है, जब बराबर के दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस होगा 95। तो 180 में से अगर 95 निकालें तो 85। तो मैं इसको दोबारा लिखती हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। E इज इक्वल टू 95, सॉरी 85। सो हमें तीनों जावी पता चल गए कि आ कितना है, डी कितना है और ई कितना है। सो ये सवाल भी हल हो चुका है। इस सवाल में हमने दो थ्योरीज का इस्तेमाल किया है। पहली थ्योरी थी कि एंगोलो अल सर्कमफेरेंसा एंगोलो अल सेंट्रो से आधा होता है, और दूसरी थ्योरी हमने इस्तेमाल की कि एक मसलस में तीन जावियों की मकदारों का मजमुआ 180 होता है। सो ये अहम है कि आप इन थ्योरीज को अच्छी तरह से याद कर लो। अब अगला सवाल देखते हैं। डिटरमिना लैम्पियस से डेल एंगोली अल्फा बीटा गामा डेल्टा रिप्रेजेंटेंट इन ला फिगुरा बी सपेंडो के ला रेटा एर ए टेंजेंट अल सर्कमफेरेंसा ए के ला रेटा एस पासा पेर इल सेंट्रो ओ डेल सर्कमफेरेंसा स्टेसा। अब इस तस्वीर में एक दायरा बनाया गया है और इसके राइट साइड पर एक रेड कलर की लाइन है जिसे कहा जाता है रेता। अगर तो ये लाइन सर्कमफेरेंसा को एक पॉइंट पर टच कर रही है, उसको छू कर गुजर रही है, तो उसको कहेंगे तंजेंते। सो ये जो रेड कलर की लाइन है ये तंजेंते है, ठीक है, और इसका नाम है एरे। और ब्लू कलर में एक और लाइन है जिसका नाम रखा गया है एस से, और ये लाइन इस दायरे के दरमियान में से गुजर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जाविये मालूम करने हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। सिर्फ एक ही जाविया दिया गया है क्वारंटा चिंक्वे। इस जाविये का इस्तेमाल करते हुए हमने ये चार जाविये मालूम करने हैं। तो आइए सबसे पहले इस तस्वीर को हम ड्रा करते हैं और फिर अपने सवाल को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने इसको ड्रा कर लिया है। पहले देख लेते हैं कि इस सवाल को हम हल करना कैसे शुरू करेंगे। ऑब्वियसली दी गई इन्फॉर्मेशन से ही हम इसको शुरू करेंगे। हम इसके नाम रख लेते हैं ताकि हमें बुलाने में थोड़ी आसानी रहे। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं आ, ठीक है, ये बी, ये जो पॉइंट है बी, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं सी, और ये वाला पॉइंट डी। ओके, इस सवाल को थोड़ा गौर से समझना है क्योंकि इसमें नई थ्योरीज का भी इस्तेमाल होगा। हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो है कि एंगोलो अल्फा उगवाले क्वारंटा चिंक्वे,
अब सिर्फ एक ही जाविया मालूम है और इस समय चार जाविये मालूम करने हैं। कौन कौन से हैं वो? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अब हम इसको हल करने के लिए किसी ऐसे थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें जाविये का भी कंसेप्ट हो और तंजेंते का भी। विस्तो के सवाल में तंजेंते का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? तो एक ऐसी थ्योरी है जो कि बताती है कि अगर कोई लाइन, कोई रेता सिरकमफेरेंसा को एक पॉइंट पर टच कर रहा हो, जिसे हम तंजेंते कहते हैं, तो तंजेंते और राज्यो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो आपस में 90 डिग्री का जाविया बनाते हैं, ठीक है? तो इस सवाल में ये वाला जो रेड कलर का रेता है, ये वाला, इसको कहते हैं तंजेंते, और ये जो लाइन है इसका नाम है राजो। तो ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर मिल रही हैं वहां पर 90 डिग्री का जाविया बनता है, यानी कि ये वाला जाविया और इस तरफ भी ये वाला जाविया, दोनों तरफ 90 डिग्री के जाविया हैं। सो हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये वाला जाविया 90 डिग्री का जाविया है, ठीक है? अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ये वाली और ये एक मुसल्लस है, ठीक है, उन त्रिआंगुलो। अब इस मुसल्लस में हमें दो जाविये मालूम है, एक तो जाविया आ, एक जाविया आ और दूसरा जाविया बी। सिर्फ एक जाविया हमें मालूम नहीं है, वो है ओ। और थोड़ी देर पहले हमने एक थ्योरी देखी है जिसके मुताबिक एक मुसल्लस में तीन जावियों की मकदारों का मजमूआ 180 होता है, ठीक है? उसी थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे और तीसरा जाविया भी मालूम कर लेंगे। सो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस सवाल को हम टोटली कैसे हल करेंगे। अगर तो हम इस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली हमें जो एंगल अल्फा है ये मालूम हो जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं कि बाकी जाविये हम कैसे मालूम करेंगे। सो यहाँ पर जो एंगल अल्फा है ये एंगल अलचेंत्रो है। सो हम एक ऐसी थ्योरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें एंगल अलचेंत्रो का इस्तेमाल हुआ हो, और वो थ्योरी हम याद कर चुके हैं कि एंगल अलचेंत्रो एंगल सिरकमफेरेंसा से दो गुना होता है, ठीक है? सो इस तरह हम एक और एंगल भी मालूम कर सकते हैं। अगर ये एंगल अलचेंत्रो है यानी कि ये वाला एंगल अलचेंत्रो है और इसके बाजू के जो एंड पॉइंट है वो ये बी और डी है, तो हम एक ऐसा एंगल अला सिरकमफेरेंसा ढूंढते हैं जिसके एंड पॉइंट बी और डी हों, ठीक है? यानी कि जो इस आर्को के नीचे आ रहे हों, और वो ये वाला एंगलो है, ठीक है, एंगलो गामा। सो इस तरह हम एंगलो गामा भी मालूम कर सकते हैं जो कि एंगलो अला सिरकमफेरेंसा है, यानी कि एंगलो अला सिरकमफेरेंसा गामा एंगलो अलचेंत्रो अल्फा का आधा होगा। आपने देखा हुआ है कि डी पर कितने जाविये होते हैं, यानी कि जो इस तरह की बनी होती है डी, उस पर 180 तक जाविये बने होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक लाइन है तो इस पर ये जो जाविया होगा ये 180 का जाविया होता है, ठीक है? और इसके दूसरी साइड पर भी, यानी कि इस तरफ भी, ये जाविया भी 180 का जाविया होता है। और अगर इन दोनों जावियों को मिलाया जाए, यानी कि जो ऊपर वाला जाविया है 180 का और नीचे वाला, तो ये बनता है 360। सो इसका इस्तेमाल हम अपनी इस तस्वीर में करते हैं। ये जो एंगल है अल्फा, ये वाला, ये सारा जाविया 180 का जाविया है, ठीक है? और इसके हमें इस हिस्से का पता है कि ये कितना जाविया है, ठीक है? हमने अल्फा का मालूम किया कि अल्फा कितना जाविया है। सो हमें पता है कि ये वाला जो इस साइड पर जाविया है वो कितना है। सो अगर हमें एक साइड के जाविये का पता है तो हम दूसरी साइड के जाविये का भी पता कर सकते हैं कि दूसरी साइड पर कितना जाविया है। वो किस तरह से? कि अगर हम 180 में से अल्फा निकाल देते हैं, जो बाकी जाविया बचेगा
वो दूसरी साइड का जाविया होगा, यानी कि इस साइड वाला, ठीक है। सो हमें इस जाविया का भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना जाविया है। ये जाविया पता करना क्यों जरूरी था, हालांकि एक्सरसाइज में तो नहीं पूछा गया कि यहाँ पर कितना जाविया है। हम अभी देख लेते हैं कि यहाँ का जाविया मालूम करना क्यों जरूरी था। पहले हम लोग बाकी साफ कर लेते हैं। सो अब अगर हम लोग अपनी ये ट्रायंगल देखें, ये वाली, ये वाली मसलस अगर हम लोग देखें, तो इस मसलस में हमें दो जाविये पता है, एक तो ये वाला एंगलो गामा और दूसरा ये वाला जो ग्रीन कलर में है, ठीक है। दो जाविये पता हो तो तीसरा जाविया मालूम किया जा सकता है उस थ्योरी के जरिए जिसके मुताबिक एक मसलस में तीन जावियों की मकदारों का मजमुआ 180 होता है। सो उस थ्योरी से हम अपना तीसरा जाविया भी मालूम कर लेंगे। ये दो जाविये हमने इसलिए मालूम किए कि ये दोनों जाविये हमें ये वाले जाविये मालूम करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब हम एक और थ्योरी सीखने जा रहे हैं जिसके मुताबिक अगर किसी चेयर की हमें कोई मसलस इस तरह से बनाई गई है कि जिसकी एक साइड डायमीटर है, तो डायमीटर के सामने वाला जाविया 90 डिग्री का जाविया होगा, ठीक है। इस तस्वीर में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो मसलस है बी सी डी, इसकी एक साइड ये डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर कौन सा है? सी डी। तो सी डी के सामने वाला जो जाविया होगा ये 90 डिग्री का जाविया होगा, ठीक है। सो एक और थ्योरी हमें याद करनी है जिसके मुताबिक अगर कोई मसलस किसी चेयर के में इस तरह से बनी है कि उसकी एक साइड डायमीटर है, तो डायमीटर के सामने वाला जाविया 90 डिग्री का जाविया होगा। अब अगर ये सारा जाविया 90 डिग्री का है और इस जाविये को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक हिस्सा ये वाला, ठीक है, और दूसरा हिस्सा ये वाला, राइट। अगर इसमें से हमें एक जाविये का पता है तो दूसरा जाविया हम मालूम कर सकते हैं। वो किस तरह से? टोटल में से पहले वाला जाविया निकाल दें तो दूसरा जाविया हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ग्रीन जाविया जो है ये पहले मालूम कर लिया था, सो रेड कलर का जो जाविया बन रहा है 90 डिग्री का, उसमें से ग्रीन वाला निकाल दें तो हमें ब्लू वाला जाविया मिल जाएगा। जो ब्लू वाला जाविया होगा वो जाविया डेल्टा है, ठीक है, जो हमें मालूम करना था। सो इस तरह से हमने एक और जाविया मालूम कर लिया। अब हमारा जो जाविया मालूम करने वाला रह चुका है वो है जाविया बेटा। वो किस तरह से मालूम करेंगे? हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पर जो जाविया बनता है राजो और तंजेंते के दरमियान वो 90 डिग्री का जाविया होता है। सो यहाँ पर भी हमें एक जाविया मालूम है, लाइक ये वाला रेड कलर का मालूम है, तो दूसरा जाविया हम कैसे मालूम करेंगे? ये जो येलो कलर में है ये कैसे मालूम करेंगे? टोटल जो ब्लू वाला 90 डिग्री का जाविया है उसमें से रेड वाला निकाल देंगे, यानी कि जो डेल्टा एंगलो डेल्टा है वो निकाल देंगे, तो हमें एंगलो बीटा मालूम हो जाएगा। सो ये तरीका था कि किसी भी सवाल को हल करने से पहले आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि इस सवाल को मैं कैसे हल करूंगी, ठीक है। तो एक आइडिया हमने हासिल कर लिया कि जावियों को हम कैसे मालूम करेंगे। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं, ठीक है। हम लोग शुरू करेंगे अपने इस मसलस से कि जिसमें हमें दो जाविये मालूम थे, ठीक है, आ बी और ओ, ठीक है। आ और बी हमें मालूम है, हम तीसरा जाविया ओ यानी कि अल्फा मालूम कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ओके, पहले हम लोग मसलस ले लेते हैं आ बी और ओ। ये जो आप लोग देख रहे हैं पहले मैंने बनाया है, ये मसलस को बनाता है। ये बताएगा कि हम कौन से मसलस को पहले हल कर रहे हैं, मसलस आ बी और ओ। इसमें जो चीज़ें हमें मालूम है वो है एंगलो आ जो कि है 45 डिग्री का,
और एंगल बी, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। और हमें मालूम करना है एंगल अल्फा, यानी कि या फिर एंगल ओ, एंगल ओ जो कि बराबर है एंगल अल्फा के, ये हमें मालूम करना है। अगला पेज ओपन कर लेते हैं। अपनी थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे जिसके मुताबिक एक मुसल्लस के तीन जावियों के मकदारों का मजमूआ 180 होता है। पहला जाविया था एंगल अल्फा आ सॉरी, दूसरा जाविया बी और तीसरा जाविया अल्फा। तीनों जावियों के मकदारों का मजमूआ है 180। आ कितना है 45 डिग्री प्लस, और एंगल बी कितना है 90 डिग्री का, और एंगल अल्फा हमें मालूम करना है और ये 180। 90 और 45 को जमा करेंगे तो बनेगा 135 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180। सो एंगल अल्फा को इधर ही रहने देते हैं और 180 में से 135 माइनस करते हैं तो जवाब क्या आएगा 5-4। सो एंगल अल्फा 45 डिग्री का है, ठीक है। सो इस तरह हमने एक जाविया मालूम कर लिया है। अब दूसरा जाविया हम कैसे मालूम करेंगे? हमने कहा था कि बी ओ डी एंगल अलचेंत्रो है और इसके कोरिस्पोंडेंट एंगल डी सी बी एंगल अलचिरकमफेरेंसा है। सो हम उस थ्योरी के बिना पर जिसके मुताबिक कि एंगल अलचिरकमफेरेंसा एंगल अलचेंत्रो से आधा होता है, उसकी बिना पर हम अपना एंगल गामा मालूम कर लेते हैं, ठीक है। सो इस सवाल का दूसरा पॉइंट है कि एंगल गामा बराबर है एंगल अल्फा के आधा, ठीक है, क्योंकि गामा जो है एंगल अलचिरकमफेरेंसा है और दूसरा जो है एंगल अलचेंत्रो है। गामा इज इक्वल टू एंगल अलचेंत्रो कितना था, अल्फा कितना आया था हमारे पीछे 45, तो यहाँ पर 45 डिवाइडेड बाय 2 तो ये कितना आएगा 22.5 डिग्री। सो इस तरह हमने एक और जाविया मालूम कर लिया। सो इसके अलावा हमने तीसरा स्टेप क्या कहा था कि कौन सा जाविया मालूम करेंगे? ये जो एंगल पियातो है, टोटल जाविया है 180 का, 180 में से अगर अल्फा निकाल दे तो हमारे पास ये वाला जाविया आ जाएगा, ओके एक्स। अब अगर 180 में से अल्फा निकाल देंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाला स्टेप करते हैं। एक्स बराबर है 180 के एक्स बराबर 180 माइनस अल्फा। एक्स बराबर 180 में से अल्फा निकालें, अल्फा कितना था 45, सो एक्स की वैल्यू बराबर होगी 135 के। सो हमें एक्स की वैल्यू भी मालूम होगी। अब इसके अलावा हमें क्या करना था? अब हम अपनी इस ट्रायंगल को देखेंगे कि जिसमें हमें दो जाविये मालूम हो चुके हैं और तीसरा जाविया हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये मुसल्लस देखेंगे, इसमें हमें एंगल गामा भी पता है और एंगल एक्स भी पता है। अपना ये वाला जाविया, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं इप्सिलोन, ठीक है। ये इप्सिलोन, ओके। अपना इप्सिलोन कैसे मालूम करेंगे? उसी थ्योरी की बिना पर यहां पर ही मालूम कर लेते हैं।
जो आंग वालों था पहले गामा प्लस एक्स प्लस इप्सिलॉन इज इक्वल टू 180, ठीक है। इप्सिलॉन सॉरी गामा कितना था हमने यहाँ पर मालूम किया था 22.5 प्लस एक्स कितना है 135, अभी ऊपर ही मालूम किया है, प्लस इप्सिलॉन हमें मालूम करना है और 180। अब 135 प्लस 22.5 कितना होता है, होगा 157.5, ठीक है। प्लस इप्सिलॉन इज इक्वल टू 180, इप्सिलॉन इज इक्वल टू 180 माइनस 157.5, तो क्या जवाब आएगा 22.5। ओके, इप्सिलॉन भी हमें मालूम हो गया। अब इसके अलावा हम लोगों ने क्या कहा था, अगला स्टेप क्या होगा? इसके बाद हमने एक थ्योरी देखी थी कि अगर कोई मसलस किसी चेयर के हमें इस तरह से बनाई गई है कि उसकी एक साइड डायमीटर है, तो डायमीटर के सामने वाला जाविया 90 डिग्री का जाविया होगा। सो, ये जो जाविया है ये 90 डिग्री का जाविया है, ठीक है। अब इसमें से अगर हम इप्सिलॉन को निकाल देते हैं तो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा जो कि हमें मालूम करना है। प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 90, इप्सिलॉन हमने मालूम किया है कि 22.5 है, 22.5 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 90। डेल्टा को इधर ही रहने देते हैं और 90 में से 22.5 निकाल लेते हैं तो हमारे पास जवाब आएगा 67.5। सो, हमारे पास एक और जाविया मालूम हो चुका है। अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया है जो कि है बीटा। इसको हमने कैसे मालूम किया था कि राज्यों और तांजेंते का आपस में 90 डिग्री का जाविया होता है। सो, ये जो जाविया है ये 90 डिग्री का जाविया है, ठीक है। और इसी तरह से यानी कि बीटा प्लस डेल्टा 90, तो हम यहाँ पर अगर 90 में से डेल्टा का जाविया निकाल दें तो हमारे पास बीटा का जाविया आ जाएगा। बीटा हमें मालूम करना है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, और ये कितना है 67.5 सो बीटा कितना आएगा 90 माइनस 67.5, तो ये आ जाएगा 22.5। सो हमारे पास बीटा भी मालूम हो गया है। सो आई थिंक हमारा सारा सवाल हल हो चुका है, यानी कि अल्फा भी बीटा भी गामा भी और डेल्टा भी। सो इस सवाल में हमने टोटल 4 थ्योरीज का इस्तेमाल किया है। पहली दो तो पुरानी थी कि एंगलो अल सर्कमफेरेंसा एंगलो अल सेंट्रो से आधा होता है, और दूसरी थ्योरी थी कि एक मसलस में 3 जावियों की मकदार का मजमुआ 180 होता है, और तीसरी थ्योरी हमने ये सीखी के राज्यों और तंजेंते आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इनका आपस में जाविया 90 डिग्री का होता है। और चौथी थ्योरी हमने ये सीखी कि अगर कोई मसलस किसी चेयर की ओर में इस तरह से बनाई गई है कि उसकी एक साइड डायमीटर है, तो डायमीटर के सामने वाला जाविया 90 डिग्री का होगा। ये चारों थ्योरीज आपको याद करनी है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। दाती दुए पुंती आ ए बी सुना चिरकम फेरेंसा
siano M e N i punti medi dei due archi di estremi A e B. Dimostra che MN è il diametro perpendicolare alla corda AB. Iska kya matlab hai? Aaiye hum tasveer banakar isko samajhte hain. Humne ek daira bana liya. Ab iske upar kahin par bhi do points le lete hain. A aur yahan par le lete hain B. A aur ye B. अब सवाल में क्या था कि MA और NA दो मिडल पॉइंट्स हैं उन दो आर्क की जिनके एंड वाले पॉइंट्स A और B हैं. अब वो आर्क कौन सी हैं? एक तो आर्क होगी ये वाली, ठीक है, क्योंकि इस आर्क के जो एंड वाले पॉइंट्स हैं जहां से शुरू होती है और जहां पर खत्म होती है वो एक तो A है और दूसरा है B. यही सवाल में कहा गया था. और दूसरी आर्क कौन सी है? ये वाली, ठीक है. इसका भी जो शुरू वाला पॉइंट्स है आ और दूसरा बी. अब एम ए और एन ए कहाँ पर आएंगे? इन दोनों आर्क के मिडल पॉइंट्स पर. मिसाल के तौर पर जो आर्क रेड कलर में है उसका मिडल पॉइंट कहाँ पर होगा? तकरीबन यहाँ पर होगा और दूसरा यहाँ पर. इसमें से एक का नाम हम रखते हैं MA और दूसरे का NA, ठीक है. ये वाला पॉइंट रख लेते हैं MA और ये वाला NA. अब इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देते हैं, ओके. और हमें साबित ये करना है कि जो लाइन है MA NA ये A और B पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला जो जाविया है ये 90 डिग्री का है, ठीक है. ये वाला जाविया 90 डिग्री का है, ठीक है, चाहे वो दाएं तरफ हो या फिर बाएं वाला, ओके. अच्छा, जो चीज़ हम जानते हैं वो ये कि एम ए और एन ए मिडल पॉइंट्स हैं. मतलब ये कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और इसी तरह से ये वाली साइड इस साइड के बराबर है. अब अगर हम लोग आ और एम को आपस में मिला दे लाइक दिस और बी और एम को भी इसी तरह से एन और बी को और आ और एन को, ठीक है, तो हमारे पास दो मसलसें हासिल होती हैं. कौन कौन सी? एक आ एम बी और दूसरी मसलस आ एन बी. अब इस मसलस में हम जानते हैं कि ये जो आर्को है, ठीक है, ये इस आर्को के बराबर है. अब अगर ये दोनों आर्की आपस में बराबर हैं तो इनके नीचे जो कोर्दे होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे. वो कौन कौन से है इस केस में? बी और एम और इस तरफ आ और एम, यानी कि आ एम बराबर है बी एम के. वो किस तरह से? क्योंकि इनके ऊपर वाली आर्की आपस में बराबर हैं. यह भी एक थ्योरी के तहत है जिसमें कहा गया है कि अगर दो आर्की आपस में बराबर हैं तो उनके नीचे वाले कोर्दे भी आपस में बराबर होंगे, ओके. सो हम इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं. कि आ एम में बराबर है बी एम ए के, ओके. इसी तरह अगर आप लोग नीचे वाले मसलस में देखें, यानी कि आ बी एन में, तो इसमें भी जो आर को है आ एन ए ये बराबर है एन ए बी के. अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके जो नीचे वाले कोर्दे हैं ये भी आपस में बराबर होंगे. सो इस इंफॉर्मेशन को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि आ एन ए इज इक्वल टू एन ए बी. अब अगर आ एम ए बराबर है बी एन ए के तो इसका मतलब है कि ये त्रियांगलो इजोशले है. त्रियांगलो इजोशले पता क्या होता है? कि अगर कोई मसलस ऐसी है कि जिसमें दो ज़िले आपस में बराबर हों तो उसे कहा जाता है त्रियांगलो इजोशले. और अगर किसी मसलस में तीनों जाविये आपस में बराबर हों तो उसे कहा जाता है
ट्रायंगलो इक्विलैटेरो, ओके। और अगर किसी मुसलस में तीनों ही जाविये आपस में बराबर ना हो, ठीक है, उसे कहा जाता है ट्रायंगलो स्कालेनो। इसके अलावा एक और ट्रायंगलो जिसमें एक जाविया 90 डिग्री का हो, उसे कहा जाता है ट्रायंगलो रेक्टेंगलो। है हमारे पास जो अभी मुसलस है वो है ट्रायंगलो इजोशेले, ओके। इस ट्रायंगलो की एक खासियत ये होती है, हमने अभी कहा कि एम में और एन में दो मिडल पॉइंट्स हैं, ठीक है, और जो लाइन दो मिडल पॉइंट्स को आपस में मिलाती है उसे कहा जाता है मेडियाना, ठीक है। ओके, मेडियाना। और त्रियांगलो इजोशेले की खासियत ये होती है कि अगर इसमें कोई मेडियाना है तो वो अल्तेसा भी होगा। अल्तेसा उस लाइन को कहते हैं जो दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर हो, यानी उसके साथ 90 डिग्री का जाविया बनाए। तो इस थ्योरी के तहत हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइन एम और एन है, ठीक है, एम एन जो लाइन है ये मेडियाना भी है और अल्तेसा भी है। और अगर ये अल्तेसा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का जाविया बना रही है, और अगर ये 90 डिग्री का जाविया बना रही है तो इसका मतलब है कि ये उस लाइन के परपेंडिकुलर है, राइट। तो इस तरह हमने ये साबित कर दिया कि एम में एन ने ए परपेंडिकुलर अला कोर्दा आ बी, ओके। इस सवाल में जो थ्योरीज हमने सीखी हैं वो हैं कि अगर दो आर्की आपस में बराबर हैं तो उनके नीचे वाले कोर्दे भी आपस में बराबर होंगे, और त्रियांगलो इजोशेले में अगर कोई मेडियाना है यानी कि जो लाइन मिडल में से गुजरती है वो अल्तेसा भी होती है।